अरे चेतन द बैक बेंचर आओ। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बताओ बेटा, 2-3 दिन से तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? चलो भाई। क्यों सर, मेरे बिना जी नहीं लग रहा था क्या? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ सर पूछो। मान लो एक पिंजरे में उल्लू को कैद करके रखा हुआ है और बाहर एक चूहा है, उसको चूहा खाना है, कैसे खाएगा? अबे साले। पता नहीं सर, हार मानी। आप बताओ। उल्लू ने भी हार मान ली थी। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सर मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ हाँ पूछो पूछो। सर मान लो एक कटोरा है, उसमें से आप दूध पी लोगे? हाँ पी लूंगा, वो तो कुत्ता भी पी लेता है। पापा। चेतन दी बैक बेंचर। सही पकड़े हैं। जी सर। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम हमारे क्लिनिक के बाहर रोज औरतों को क्यों घूरते हो? गलत बात है। क्योंकि सर आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है औरतों को देखने का टाइम 10 से 12 का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलो वो सब छोड़ो। क्यों नहीं, ये बताओ आज क्यों आए हो? तुम्हारी अपॉइंटमेंट तो कल की थी ना? अभी बता था। सर वो कल मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए आज आया हूँ। हाँ तो मिस्टर चेतन, जॉब लेने आए हैं? नहीं सर, मेरी आपकी बेटी से कल शादी है तो शादी का कार्ड देने आया हूँ आपको। तुम भी बैक बेंचर हो क्या? हाँ सर। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे सीवी के अंदर 6 साल का गैप है, इन 6 सालों में कहाँ थे तुम? वो सर क्या है ना, इससे पहले वाली कंपनी में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो इंटरव्यूअर ने मेरे को फेल कर दिया था। अच्छा? तो मैंने उसका सर फाड़ दिया, जिस वजह से मुझको जेल हो गई थी। कल से ऑफिस आता ना, सैलरी की बात हम तभी कर लेंगे। ठीक है सर। ये कैसा टेस्ट दिया है तुमने, कुछ सही भी है इसमें? तुम तो बहुत ही कमजोर हो पढ़ाई में, तुम्हारी एज में तो मैं मैथ्स के इतने मुश्किल मुश्किल सवाल सॉल्व करता था कि पूछो मत। आपकी किस्मत अच्छी होगी सर, सबको इतने अच्छे टीचर नहीं मिलते। अरे भाई। हाँ भाई। जल्दी बोल। इतना खुश हो गए, कहाँ जा रहा है? हाँ। भाई आज मेरी क्रश का मैसेज आया है। हैं क्या मैसेज आया है? वो मैंने अभी खोल के नहीं देखा। अबे तो कब देखेगा, देखना। अरे तू यार, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तू देख ले। चल ठीक है मैं देखता हूँ। देखो अब मैं क्या करूँ। भाई क्या हो गया? भाई उसने लिखा है हैप्पी रक्षाबंधन भैया। बेटे एक और अपनी आकड़ को कितने प्या अपनी जेब में रखे। बी फोर आ देंगे तन तेरे दोस्त तेरे मित्र। सी फोर यार का जी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र रे। मजा। यही दिन देखने रह गए थे, अब पुलिस भी घर आने लग गई है। पर पापा वो मेरे दोस्त को उल्टा कह रहा था। कहाँ है वो तेरा दोस्त, कौन है तेरे साथ खड़ा आज? बेटा ये लास्ट टाइम था, तेरी मम्मी की भी तबीयत खराब होने लग गई है, अब लड़ाई झगड़े छोड़ दे, 12th पास हो गई है, कोई काम धंधा ढूंढ। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा तूने तो 12th पास कर लिया ना, अब क्या सोचा है आगे का? अंकल बिजनेस करने का सोचा है। बिजनेस? बेटा तुम्हारे पापा अंबानी नहीं है, खुद कमाओ फिर लगाओ। मैं अपने दोस्त से बोल के तेरी जॉब लगवाता हूँ, कल से जॉब पे चले जाना। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रुक, कुछ खा के जा, भूख नहीं है। यार कब तक मैं ऐसी 8 से 8 की जॉब करता रहूंगा, मुझे अपने मम्मी पापा के सपने भी पूरे करने हैं। आज घर वालों से बोल ही देता हूँ, मुझसे अब ये और नहीं होगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बेटा अब तू भी जॉब छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा? तुझे पता है ना अभी तेरे पापा की भी जॉब नहीं है, 6 महीने का टाइम है तेरे पास, 6 महीने में अगर कुछ कर पाया तो ठीक, वरना वापस जॉब करेगा। तो हेलो गाइस। बेटा क्या करता रहता है पूरे दिन तू, अब तेरी फिक्र होने लगी है, इन सब चीजों में कोई स्कोप नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया होता तो आज कुछ बच। अरे बेटा ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अगर तूने सर से मेरी कंप्लेंट की तो सोच लेना। अरे बताओगे? सर वो बैक बेंचर रक्षित ने मुझे मारा। क्या, बुलाओ उसे। नहीं वो मुझे फिर से मारेगा। मैंने कहा बुलाओ उसे। ओके सर। ओ भाई सर तुझे बुला रहे हैं। तूने मेरी कंप्लेंट की? वाह कसम भाई मैंने तेरी कंप्लेंट नहीं की, सर को मेरी आंखें देख के पता चल गया। अच्छा तू जा मैं आता हूँ। सर आपने बुलाया? हाँ तुमने इसे मारा कैसे, आपको जानना है? हाँ ऐसे।